रामगढ़ में शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी ने बताया कि पतरातू थाना निवासी प्रेम पांडे, पिता राम कुमार पांडे, जयनगर थाना पतरातू, जिला रामगढ़ को विकास तिवारी गिरोह के सदस्य के द्वारा फोन पर रंगदारी की मांग की गई। इस संदर्भ में पतरातू थाना कांड संख्या 158/2024 धारा 385/387 भदावी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त कांड के उद्भेदन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के उद्भेदन हेतु तमाम तकनीकी साक्ष्य का अवलोकन प्रांत कांड के अभियुक्त सूरज साव, करीब 23 वर्ष विनोद साव, दिगवार थाना मांडू कुज्जू, जिला रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपराध स्वीकार की गई। घटना में प्रयुक्त किए गए मोबाइल 2 पीस बरामद किए गए। इस कांड में फिरहार चल रहे अन्य 2 अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी है। छापेमारी दल में वीरेंद्र कुमार राम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू, योगेंद्र कुमार पतरातू अंचल, शिवलाल कुमार गुप्ता थाना प्रभारी पतरातू थाना, प्रदीप कुमार रजक पतरातू थाना, अजीत कुमार पतरातू थाना, पतरातू थाना सशस्त्र बल शामिल थे। ये 9 जून का मामला है जिसमें कि पतरातू निवासी प्रेम पांडे को रंगदारी की धमकी आई थी विकास तिवारी गिरोह से, और जिस पर एक कांड दर्ज किया गया था, और इसमें टीम बना करके SDPO पतरातू के नेतृत्व में इसमें छापामारी की जा रही थी, और जो तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इसमें सूरज साव जो कि मांडू कुजू का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई है, और उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिस मोबाइल से उसको धमकी आई थी। बाकी इसमें और भी जिन लोगों की संलिप्तता है उस बिंदु पर भी अनुसंधान चल रहा है। विकास